हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सूरज भटनागर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेकंड ईयर के सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो के रूप में अगर है और अगर वो यथार्थ है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो के रूप में तो है पर एग्जैक्ट नहीं है, यानी यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यथार्थ अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए हमें कुछ नियम काम में लेने पड़ेंगे जिन्हें बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फंक्शन, यानी हमें दी गई इक्वेशन का समाकलन गुणांक ज्ञात करना होगा और उस समाकलन गुणांक को अगर हम दी गई इक्वेशन से गुणा कर देंगे तो वो समीकरण अपने आप ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, यानी यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगी। उसके बाद हम वही अपने पुराने नियमों से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं और जल्दी जल्दी जो भी नियम हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने के लिए वो आपको बताते हैं। चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर और एक एग्जाम्पल को लेकर के सवाल को समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमको दे रखी है तो हम सबसे पहले उसमें देखेंगे कि वो एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो के रूप में है या नहीं। अगर है तो उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि वो समघात है या नहीं। प्रत्येक पद की पावर अगर समान होती है तो वो समीकरण समघात होती है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम एम डी एक्स प्लस एम डी वाई की वैल्यू निकाल के देखेंगे। अगर वो नॉट इक्वल जीरो हो जाती है तो समाकलन गुणांक 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई हो जाता है। इस समाकलन गुणांक का दी गई समीकरण में गुणा कर देते हैं तो जो समीकरण गुणा करने के बाद आती है वो यथार्थ अवकल समीकरण अपने आप बन जाती है। इसी तरीके से अगर कोई समीकरण समघात नहीं है तो वहां पर एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो की जाँच करेंगे। अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो समाकलन गुणांक फिर यहां पर 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई हो जाता है और इसका गुणा दी गई समीकरण में जब करते हैं तो वही यथार्थ में चेंज हो जाती है। यथार्थ में जब बदल जाएगी तो हमारे पास ये फॉर्मूला है पुराना इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाला, इसमें इन दोनों पदों के मान अलग अलग निकाल करके जोड़ देते हैं जो इक्वल टू सी के बराबर में होता है। अभी इस वीडियो में केवल इन दोनों ही नियमों के बारे में जानकारी लेंगे, फिर अगले वीडियो के अंदर आगे के नियम भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मान लो हमने ये एक एग्जाम्पल लिया, इसके लिए हमने मान लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल ले लिया है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में प्रत्येक पद के ऊपर जो पावर है वो बराबर है। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर वाई है तो दोनों मिलके तीन हो गई, ऐसे यहां भी तीन हो गई। इसके ऊपर एक्स के ऊपर तीन पावर है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई को मिला लिया तो तीन पावर हो गई, तो ये दी गई समीकरण समघात है। तो हम यहाँ पर पहला नियम लगाएंगे, एम एक्स प्लस एन वाई का मान यहाँ पर हम निकालेंगे। तो देखिए एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, तो एम का जो भी यहाँ पर ये मान है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से इसकी तुलना करेंगे तो एम का मान है ये, इसको एक्स से गुणा करके लिख देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, ये एम हो गया, इसको एक्स से इंटू कर दिया। और फिर यहाँ पर देखिए प्लस है लेकिन एन की वैल्यू माइनस में है इसलिए माइनस आ जाएगा और ये हो गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और वाई, इसको वाई से इंटू कर दिया। यहाँ पर हम इनका मान निकाल के देख लेते हैं, इंटू करो इसको तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई
और अगले पद से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x² y² तो ये हो गया माइनस का 2x² y² यहां पर y का इसमें इंटू किया तो ये हो जाएगा माइनस से इंटू होकर के x³y और ये प्लस हो जाएगा माइनस से इंटू होकर के 3x² y² यहां पर हम देख रहे हैं x³y और x³y कैंसिल हो गए और ये x² और y² बच गया, यानी कि mx प्लस ny इज नॉट इक्वल 0 है। तो फिर हम समाकलन गुणांक यहां पर लिख सकते हैं। अब तो समाकलन गुणांक हो जाएगा अब तो समाकलन गुणांक हो गया 1/mx + ny का मान, यानी कि x² और y² अब हमें क्या करना होगा कि जो ये समाकलन गुणांक है इसको पूरी समीकरण से हम गुणा कर देते हैं। यथार्थ में बदलने के लिए वन अपॉन x² y² का गुणा करने पर तो जो समीकरण हमको दे रखी थी ऊपर प्रश्न उसमें इसका हम गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² y - 2x y² और इसको इंटू कर देंगे 1/x² y² से माइनस x³ - 3x² y और इसको भी इंटू कर देंगे 1/x² y² और बराबर ये हो जाएगा 0। इसके बाद इसको इसमें गुणा करते हैं, एक तरीके से x² y² का भाग लग रहा है तो x² कैंसिल हो जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर अपने पास रह जाएगा 1/y, अगले पद में रह जाएगा y² कैंसिल होकर के 2/x dx, यहां पर देखिए dx और आएगा और इस जगह पर dy आ जाएगा माइनस इसका इसमें गुणा किया तो x² कैंसिल हो गया तो x बचेगा ऊपर और नीचे तो y² रह जाएगा माइनस x² कैंसिल, एक y कैंसिल, 3/y आ जाएगा dy और इक्वल टू 0। अब यहां हमारे पास ये नई समीकरण आ गई वो भी mdx प्लस ndy के रूप में, तो यहां पर अब हमको नए सिरे से m और n के मान पता करने पड़ेंगे। तो m का मान हो गया 1/y माइनस का 2/x और n इक्वल टू हो जाएगा 3/y माइनस x/y² तो इस तरीके से ये आ जाएगा। इसके बाद अब समीकरण को सॉल्व करते हैं, आगे जो हमारा पुराना नियम था उसी नियम को अब काम में लेंगे। पुराना नियम हमारे पास ये ऊपर लिख रहा है, सबसे पहले हमको एम डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ये आगे वाले पद की वैल्यू निकालेंगे, फिर जाकर के उनको हम जोड़ देंगे। चलिए इसको करते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले हम मान निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का, तो इंटीग्रेशन ऑफ m का मान 1/y - 2/x dx इक्वल टू 1/xy कांस्टेंट है, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा x/y - 2 कांस्टेंट हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब सेकंड टर्म का मान निकालते हैं, जो पूरा समीकरण लिखते हैं उसके लिए इंटीग्रेशन n माइनस del/y इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स और पूरे का फिर बाद में समाकलन y के सापेक्ष। तो यहां देखिए अब सबसे पहले हमको लिखना है n का मान और वो है 3/y माइनस x/y², फिर माइनस इक्वेशन नंबर जो 1 है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का मान, उसका डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष। तो यहां पर जब y के सापेक्ष पहले पद का समाकलन करेंगे
तो x कांस्टेंट और 1 अपॉन y का माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर आएगा, जिससे ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन y स्क्वायर, और अगला पद भी प्लस में आ जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर माइनस का साइन है, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और लेकिन ये पूरा पद x का पद है और हमको अवकलन करना है y के सापेक्ष, इसलिए इसका अवकलन जीरो हो जाएगा, आंशिक अवकलन जीरो हो जाएगा। तो अब यहां पर जो समीकरण हमारे पास बचती है वो केवल ये है, 1 अपॉन x अपॉन y स्क्वायर और x अपॉन y स्क्वायर यहां भी कैंसिल हो जाएगा, और अब इंटीग्रेशन रह गया केवल 3 अपॉन y dy, जो हो जाएगा 3 log और y। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं हम। अब हमको संपूर्ण हल लिखना है दी गई समीकरण का, तो संपूर्ण हल लिखना है अब, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे। हर प्रश्न में इसी तरीके से करना है, ये निश्चित लाइनें हैं सारी, ऐसे कैसे लिखना है इसी तरीके से करना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर संपूर्ण हल, तो संपूर्ण हल इसका हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं तो जो मान आएगा टोटल वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन ऑफ mdx dy बराबर c। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन y माइनस 2 log x प्लस 3 log y और इक्वल टू c। अब यहां पर हम कुछ फॉर्मूले काम में ले सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास log x की पावर m इस तरह का कोई फलन हो तो ये पावर आगे आ जाती है, तो ये m log x इसको हम लिख सकते हैं। अगला नियम, अगर लोग में कोई दो फलन जोड़ करके लिखे हों अलग अलग, तो हम इनके फलनों को गुणा करके एक साथ कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर लोग में दो फलन घटा रखे हों माइनस के साइन के साथ हों तो भी हम इनको मिला सकते हैं, लेकिन माइनस का पद का जो फलन है वो बटे में आ जाता है, तो ये x अपॉन y लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये पहला नियम है, इसमें घात को आगे लगाते हैं तो आगे वाले पद को हम घात पर भी लगा सकते हैं, तो पहले हम यही वाला नियम काम में लेंगे। यहां से x अपॉन y तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, और ये log x स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरीके से ये अगला पद भी log y क्यूब हो जाएगा। अब इसके अंदर ये थर्ड नियम लगाएंगे, माइनस वाला पद नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा x अपॉन y प्लस log y की पावर 3, और ये माइनस वाला फलन बटे में आ जाएगा x क्यूब और बराबर c। तो इस तरीके से हम किसी भी फलन को यथार्थ रूप में बदल करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप भी किसी भी प्रश्न को अगर वो यथार्थ नहीं है तो उसको यथार्थ रूप में लाने के लिए उसको सॉल्व कर सकते हो। जो भी प्रश्न में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कीजिए, उसके लिए एक वीडियो बना करके आपको जरूर दिखाया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। कोई भी आपकी का कमेंट हो तो वो लिख करके भेजिए, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो लिख करके भेजिए, वो सॉल्यूशन ज़रूर निकाल करके आपको हम देंगे। अगले वीडियो में हम इसके अगले नियमों के बारे में, थैंक यू।